नहीं सकता, जो है तुम्हारा जीवन धन बाप बनना हर नहीं सकता, मेरे भैया का बिंगा बाल कोई कर नहीं सकता। तुम बहरे हो गए हो क्या? तुमने उनकी पुकार को नहीं सुना? माता तुम विश्वास करो, फिर आज पढ़ाता भी नहीं है। मक्कार मक्कार बहाने खूब बना लेता है। मक्कार रघुवंश को ऐसी रंजित था कोई कह नहीं सकता, अगर कोई कहता जीवन रह नहीं सकता। निकालो अपनी तलवार, कर दो हमारे सीने के पार। हमने कहा है तुम्हें मक्कार, जिसने तुम्हारे असली रूप को पहचान लिया, तुम्हारे भीतर की काली माँ को जान लिया है। हाँ माता, कौन सा अपराध किया है मैंने आपका, क्या बिगाड़ दिया है मैंने माता? अरे भाई को आपत्ति में देखकर तेरा हृदय कंपायमान नहीं होता, ऐसे समय में भी तू उनकी सहायता का ध्यान नहीं रखता। उनकी रक्षा का ध्यान करूं? तेरे रक्षा मेरे लिए की नहीं जे एक काम पत्री का करूं मैं, उनकी रक्षा क्या जो रक्षक है त्रिलोकी का। माता राक्षसों के साथ युद्ध जारी है, ऐसे भय के समय आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। मुंह क्या खाक दिखाएगा, मैंने तेरे मन के भाव को जान लिया है। अरे ठहर, कहीं तुमने पाप का संकल्प तो नहीं किया? हाय माता जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरे कर्म और वाणी से कोई अचित बात तो नहीं हुई? मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? 13 वर्ष वन में गुजर गए, आज इतनी मुद्दत के बाद जय छवत जवाब पर आया। माता कहिए तो सही, कौन सा चिन्ह है जो मेरे अंगों पर आया? आज तुम अवश्य भाई के विनाश की कामना कर रहे हो और इस नीच विचार के कारण यहाँ अड़े खड़े हो और धर्म का सामना करते हो। माता इस मिथ्या मित्र रूप के लिए माता माता का संबोधन ही काफी है, इस पर भी मुझे अपने आचार विचार पर विमान है। अछूत भाव मेरे मन में कभी आ सकता नहीं, आंखें जे फूट जाए जहाँ बदगुमान की फट जाए, ऐसी जगह बनी है नीच दयाल की, स्वर्धन तीर को है इस तनुष और पान की, दक्षिण है मुझको राम और सुमित्रा है मां जानकी। कुछ पाप होए तो कौन चाहे राम राम से, वंचित रहे जीवा भी अजन्म तक ओम से। ये सब कपट की बातें हैं। अरे गुप्त पापी, तू बड़ा गहरा क्रूर है, जो घर के सुख छोड़कर वन में साथ आ गया, संभव है तुझको भरत कोई पट्टी पड़ा गया, अपना बना के गुप्तर पीछे लगा गया। मेरा पति था बोला तुझसे दो कप खा गया। अरे बगले भक्त, तू माता माता कह के भी मुझको अपनी भार्या बना ले। कपट कभी छुप नहीं सकता। आई लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। आप किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं आप? किस कदर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे यहाँ आपका कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है आपका, जिसे आप भाई समझ रहे थे। ये तो पूरा मतलब ही निकला। मैं एक अबला आपकी सहायता किस प्रकार कर सकती हूँ? पापी कुकर्मी, तुझे इस नीच आशा के कारण जहां आना कराए कभी पूरी ना होगी। मैं जहर खा लूंगी
हाथ देखे कर मर जाऊंगी, मैं तो तेरे हाथ ना होगी गोदावरी में डूब उस पर्वत से गिर मर जाऊंगी, पंडा लगा के विष खा के आत्मघात मैं कर जाऊंगी। भाप जीत सकता नहीं, अब तू चाहे कितनी भी तकबीर कर, मैं ना मानो चाहे तुरंत कलेजा चीर कर। ना कहो मुझे कुकर में, किसी कवि ने सच कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और जे भी सच कहा है कि स्त्री जाति के पास बड़ी भारी ताकत होती है, स्त्री हाथ पर सरसों को जमा देती है, स्त्री आग समुद्र में लगवा देती है, स्त्री भेद दो भाइयों में करवा देती है, एक का दूसरे से रक्त बहा देती है, स्त्री पीठ है दीप बजा देती है। तो परमात्मा अब करूं तो क्या करूं, घड़ी आई है खोटी, वो भी दोनों रास्तों से आई है, ना रहने में बुलाई है ना जाने में बुलाई है, उधर जाना है नादानी, इधर रहना है मैं शर्मी, उधर गया तो जे जग हसाई है, रहा तो बेहद आई है। अच्छा माता, मैं तुम्हारे बच्चे पहार करने पर भी तुम्हारे चरणों में पूजे लगता हूँ, भाई की आज्ञा को छोड़ता हूँ और आपको आपके कहने पे अकेली छोड़ता हूँ, परंतु माता जब तक मैं वापस ना आऊं, आप इस मेरी रेखा के बाहर कदम ना निकालना। अच्छा माता, मैं जानता हूँ आप सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर रहना, जे रेखा उल्लंघन करके जो भी कुटिया के भीतर आएगा है और थे जाए लक्ष्मण जी बाप ही मजा में जाएगा। That's all.